हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के लेक्चर को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग फिर से सिविल प्रोसीजर कोड के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्डर 11 पे। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 10 तक के प्रोविजंस को कवर किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात की उन ऑर्डर में जो इतने सारे रूल्स हैं, क्या सभी रूल्स को याद करना आवश्यक है? जी बिल्कुल नहीं। मैंने आपको इन लेक्चर्स में बताया है कि उन ऑर्डर के अंतर्गत जो कोर रूल है जिससे क्वेश्चन बनता है जुडिशियल एग्जाम में, वो रूल्स क्या है, मैंने सब बात आपको उस लेक्चर्स में बताई है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर्स मिस किया है ऑर्डर 1 से ऑर्डर 10, तो फिर आपको इन सभी लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उन लिंक पे क्लिक करके आप उन सभी लेक्चर्स को देखो। अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लॉ बिगिनर हैं, आपने लॉ की पढ़ाई शुरू करी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट में यह होता है कि उनको यह लगता है कि सिविल प्रोसीजर कोड बहुत ही ज्यादा टफ है अदर सब्जेक्ट के तुलना में। ऐसा कुछ नहीं है। आप लिंक पर जाओ और लेक्चर को ध्यान से देखो, आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। अगर आपको कोई पर्सनल क्वारी है तो मुझे बताओ, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब दूंगा। अगर आपने अभी तक फेसबुक पेज लॉज लाइव से नहीं जुड़ा है आपने अभी तक, तो आप लिंक पे क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस पर क्लिक करके मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हो, मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हो। और पर्सनली कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताओ, कोई समस्या है आप मुझे जरूर बताओ जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी के दृष्टिकोण से किसी भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन का ग्रुप है एक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पे क्लिक करके आप जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन जो ग्रुप है उससे आप जुड़ सकते हो। और आप भी अपने मत को, अपने विचारों को वहां पे जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है वहां पे आप शेयर कर सकते हो। लेक्चर को स्टार्ट करें उसके पहले, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ रिलेटेड तो हिचकिचाइए मत, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे, उसके बाद हम लोग रिलेवेंट पॉइंट जो ऑर्डर 11 को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना जरूरी है वो सभी पॉइंट्स पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ऑर्डर 11 के हर एक रूल्स को देखेंगे, ताकि आपको आज के लेक्चर से एक डायग्राम ड्रॉ हो जाए आपके माइंड में, ताकि आपको ऑर्डर 11 का हर एक रूल याद ही हो जाए। इसलिए बड़े ध्यान से देखिए और लेक्चर को जब आप देख रहे हो तो अपने पास बेरंग के टेक्स्ट बुक जरूर रखो, ताकि आपको और ज्यादा बात तरीके से समझ में आए और बेरंग के लैंग्वेज को तरीके से आप खुद समझो और खुद से पढ़ने का आप में भी एक कैपेबिलिटी आए, इसलिए भी आप अपने पास बेरेक्ट जरूर रख लो। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी के मीनिंग पे, क्योंकि जब भी ऑर्डर 11 का बात आएगा तो ऑर्डर 11 का जो संबंध है वो है डिस्कवरी और इंस्पेक्शन से। और डिस्कवरी और इंस्पेक्शन होता कैसे है? तो बाय वे ऑफ इंटरोगेटरीज। तो हमको समझना है डिस्कवरी किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्कवरी। तो डिस्कवरी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत एक पार्टी दूसरे पार्टी को कंपेयर करता है कि जो भी उसके पास केस या सूट से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में या किसी भी अन्य प्रकार से, उसको वो प्रोड्यूस करे। इस बात के लिए जब कंपेयर किया जाता है तो जो पार्टी कंपेयर कर रही होती है वो एक्चुअली में जिस प्रक्रिया को इस्तेमाल कर रही होती है उसे हम कहते हैं डिस्कवरी। और ऑर्डर 11 हमेशा पढ़ा जाता है सेक्शन 30 के साथ। तो सेक्शन 30 भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि सेक्शन 30 का संबंध आखिर किन किन बातों से है। तो देखिए सेक्शन 30 का संबंध है
डिस्कवरी और इंस्पेक्शन से, सर्विंग ऑफ इंटरोगेटरी से, दैट मीन स्पेसिफिकली इंटरोगेटरी से, सेक्शन 30 का संबंध है ऑर्डर 12 से, एडमिशन ऑफ फैक्ट, एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 30 का संबंध है ऑर्डर 30 से, माफ कीजिए 13 से, ऑर्डर 13 प्रोटेक्शन इंपाउंडिंग एंड रिटर्निंग ऑफ डॉक्यूमेंट, चौथा एफिडेविट से संबंधित है सेक्शन 30, और पांचवा सेक्शन 30 का संबंध है समन्स टू विटनेसेस, दैट मीन्स ऑर्डर 16 से। लेकिन हमको पढ़ना है ऑर्डर 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम लोग सिर्फ जानेंगे डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के बारे में, और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ डिस्कवरी से रिलेटेड प्रोविजंस पे। तो डिस्कवरी होता है दो चीजों का, पहला होता है डिस्कवरी फैक्ट का और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्स का। तो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी किस डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पे बेस्ड रहेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट पे ही निर्भर है। तो डिस्कवरी जब हम लोग फैक्ट का करते हैं तो फैक्ट को कैसे डिस्कवर किया जाएगा, तो बाय वे ऑफ इंटरोगेटरीज। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेक्चर को देखना है। तो हम लोग मीनिंग में बात किए डिस्कवरी का, डिस्कवरी मीन्स टू व्हाट, ठीक है। अब आते हैं कि डिस्कवरी का आवश्यकता ही क्यों पड़ता है, सेकेंड पॉइंट पे, पॉइंट नंबर बी, सेकेंड पॉइंट। देखिए मैंने उस तरीके से ही आपको बताने की कोशिश करी है जो जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से आपकी आंसर राइटिंग पे भी मदद करे। तो पॉइंट नंबर टू, डिस्कवरी का आवश्यकता ही क्यों पड़ता है। तो देखिए जब अपोनेंट जो है वो अगर अपना केस को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, क्योंकि मान लेते हैं एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, और अगर प्लेंटिफ अपने केस को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं कर रहा है तो डिफेंडेंट प्लेंटिफ के अगेंस्ट केस लड़ेगा, इसके पहले डिफेंडेंट को हर एक तथ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस तगड़ा ले सके। इसी उद्देश्य के साथ कंसेप्ट लाया गया है डिस्कवरी का कि केस लड़ने के पहले पार्टी को केस संबंधित हर जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया आवश्यकता डिस्कवरी के कॉन्सेप्ट का। अब आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे, जो उद्देश्य है डिस्कवरी का वो क्या है। तो डिस्कवरी का उद्देश्य है जो भी खर्च होती है सूट को लड़ने में उसको कम किया जा सके, जो भी खर्च होती है फैक्ट को प्रूव करने में वो कम किया जा सके, केस जो लड़ने में टाइम पीरियड लगता है उसको कम किया जा सके, लिटिगेशन को शॉर्टन किया जा सके, यही ऑब्जेक्ट होता है मूलतः डिस्कवरी का। अब आते हैं पॉइंट नंबर फोर पे, कि जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है डिस्कवरी का, ये मान के चलो कि डिस्कवरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल है, तो किन किन विषयों पे एप्लीकेबल है। तो देखिए फैक्ट दो प्रकार के होते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस एपिसोड में ऑर्डर 6 को देखा है तो वहां मैंने बताया है कि फैक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फैक्टा प्रोबैंडा, एक होता है फैक्टा प्रोबेंसिया। फैक्टा प्रोबेंडा होता है फैक्ट इन इशू, जिस तथ्य को लेके दो पार्टी के बीच में विवाद होता है, और दूसरा होता है फैक्टा प्रोबेंसिया। फैक्टा प्रोबेंसिया मतलब होता है कि फैक्ट इन इशू को जिस तथ्य से प्रूव किया जाएगा उस तथ्य को हम कहते हैं फैक्टा प्रोबेंसिया। दैट मीन्स कि फैक्टा प्रोबेंसिया होता है एविडेंस। तो जो कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी का वो एप्लीकेबल है सिर्फ फैक्टा प्रोबेंडा पे, मतलब जिन जिन फैक्ट तथ्य को लेके पार्टीज के बीच में विवाद है उसी फैक्ट पे एप्लीकेबल होता है फैक्टा प्रो, माफ कीजिए उसी तथ्य पे, उसी फैक्ट पे अप्लाई होता है जो सिद्धांत, जो कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी का आप कह सकते हो। तो दूसरा पॉइंट आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी का वो एप्लीकेबल नहीं है फैक्टा प्रोबेंसिया पे, एविडेंस पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको तोड़ तोड़ के बातों को समझाने की कोशिश करी है, तो इसलिए ध्यान से अगर आपके पास नोटबुक है ना तो आप नोटबुक पे लिख लो ताकि आपको और ज्यादा तरीके से दिमाग में बैठे बात, और आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा खोलो ही नहीं,
पांचवा पॉइंट कि जो कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी का, क्योंकि डिस्कवरी जैसा मैंने आपको बताया फैक्ट और डॉक्यूमेंट को लेके ही अप्लाई होता है, और वो फैक्ट में कौन सा फैक्ट, तो फैक्टा प्रोवेंडा। तो डिस्कवरी का जो एप्लीकेबिलिटी है वो हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे, तो बाय वे ऑफ इंटरोगेटरीज। तो हमको यहां समझना है कि इंटरोगेटरीज का मतलब क्या होता है। तो इंटरोगेटरीज का मतलब होता है क्वेश्चंस, क्वेश्चनायर। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई सवाल करता है तो हम उसी को कहते हैं इंटरोगेटरीज। तो इंटरोगेटरीज जो शब्द है वो टू इंटरोगेट से निकला है, नाम को देखने से लगता है। तो इंटरोगेटरीज का मतलब होता है क्वेश्चंस। तो अब यहां पर जो पांचवा पॉइंट है उसका जो संबंध है वो इस बात से है कि इंटरोगेटरीज कब अलाउड नहीं होता है, कब एक पार्टी दूसरे पार्टी को सूट में इंटरोगेटरीज किन किन विषय वस्तुओं पे नहीं दे सकता है। तो पहला, अगर इंटरोगेटरीज का संबंध है एडवर्स पार्टी के टाइटल से या एडवर्स पार्टी के पास जो एविडेंस है उससे, तो आपका जो इंटरोगेटरीज है वो अलाउड नहीं होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर इंटरोगेटरीज का संबंध है कॉन्फिडेंशियल या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन से, तो कॉन्फिडेंशियल या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है इसके लिए आपको एविडेंस एक्ट देखना होगा, सेक्शन 123। अप्लाई नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा इंटरोगेटरीज अगर इंटरोगेटरीज का संबंध इन मैटर से है तो। तीसरा कि अगर इंटरोगेटरीज का संबंध उस सब्जेक्ट से है जिसके डिस्क्लोजर से पब्लिक को क्षति पहुंच सकती है तो इंटरोगेटरीज अलाउड नहीं होगा। तो यहां पे आप ये समझो कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई डिस्क्लोजर होता है तो पब्लिक को क्षति, पब्लिक इंजर्ड हो सकता है। तो इसके लिए आपको देखना होगा एविडेंस एक्ट का सेक्शन 124। चौथा कि कब इंटरोगेटरीज अलाउड नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो पढ़ेंगे ऑर्डर 11 को तो ऑर्डर 11 का जो मूलतः बात है इंटरोगेटरीज से ही है। तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, चलेगा, लेकिन आप तक हर एक पॉइंट जाना जरूरी है, कुछ भी छूटे ना। चौथा कि इंटरोगेटरीज कब अलाउड नहीं होता है, कब अलाउड नहीं होगा। तो चौथा पॉइंट जब इंटरोगेटरीज अलाउड नहीं होगा वो है कि अगर इंटरोगेटरीज का नेचर क्रॉस एग्जामिनेशन वाला है तो फिर यहां पे इंटरोगेटरीज अलाउड नहीं होगा। अगर इन पांचवा पॉइंट कि जब इंटरोगेटरीज अलाउड नहीं होता है वो है कि अगर इंटरोगेटरीज इररिलेवेंट है, वैक्सियस है, एग्जिबिट हुआ है मालाफाइडली, तो इस सिचुएशन में आपका जो इंटरोगेटरीज है वो अलाउड नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक्स पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया डिस्कवरी से, और डिस्कवरी जब भी बात आएगा तो डिस्कवरी फैक्ट का डॉक्यूमेंट का, और फैक्ट डॉक्यूमेंट का होगा डिस्कवरी कैसे, तो इंटरोगेटरीज से होगा। तो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कवरी, उससे ही उसके अंदर आते हुए इंटरोगेटरीज को लेकर प्रोविजंस, ये सभी मैंने आपको बताया बेसिक में। अब आते हैं कुछ रिलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ छूटे ना, है ना, बार बार मैं ये कहता हूं। तो क्योंकि ये जो पॉइंट्स अभी आप पढ़ोगे ये आपको मदद करेगा, जब हम लोग ऑर्डर 11 को जब देखेंगे हर एक रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको हर रूल को याद करने का जरूरत ही नहीं होगा, आपको हर एक रूल आराम से क्लियर होते चला जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखो, और नोटबुक है तो नोट कर लो, कर लो ही, और लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने स्टडी ग्रुप में इनको शेयर जरूर करो। तो सबसे पहला पॉइंट कहना, पहला पॉइंट क्या कहता है कि कौन किसको इंटरोगेटरीज दे सकता है, कौन किससे क्वेश्चन कर सकता है। तो कहता है पहला पॉइंट में कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट को एडमिनिस्टर कर सकता है इंटरोगेटरीज, और उसी प्रकार डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ को इंटरोगेटरीज एडमिनिस्टर कर सकता है। ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट।
अब आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पे। पॉइंट नंबर सेकंड कहता है कि इंटरोगेटरीज का संबंध होगा तो किस फैक्ट से होगा, तो फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मींस टू से फैक्ट इन क्वेश्चन, जिस तथ्य को लेके दो पार्टी के बीच में विवाद है उसी फैक्ट पे इंटरोगेटरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। अब बात करते हैं कि क्या एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट को इंटरोगेटरीज सर्व कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है ये लिखो। जब इंटरप्लीडर सूट का बात आएगा तो इंटरप्लीडर सूट के लिए सेक्शन देखा जाता है सेक्शन 88 और इसके साथ पढ़ा जाता है ऑर्डर 35 को। अब इंटरप्लीडर सूट क्या है ये मैं आपको अलग से लेक्चर में बताऊंगा। तो इंटरप्लीडर सूट में एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट को, मूलतः क्या होता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट को डिफेंडेंट प्लेंटिफ को देता है इंटरोगेटरीज, लेकिन एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट को इंटरोगेटरीज सर्व करेगा ये पॉसिबल है इन केस ऑफ इंटरप्लीडर सूट, वो भी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड दैट ऑर्डर मस्ट बी इन राइटिंग। ये आप जान लो। अब आते हैं चौथा नंबर पॉइंट पे। सेम पर्पस पे, सेम पर्पस से संबंधित या सेम पर्पस पे एक से अधिक इंट्रोगेटरीज सर्व्ड नहीं किया जा सकता है, ना ही प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट को और ना ही डिफेंडेंट के द्वारा प्लेंटिफ को। सेम पर्पस पे एक सेट से ज्यादा इंट्रोगेटरीज सर्व्ड नहीं हो सकता है, ये आप नोट करो। पॉइंट नंबर चौथा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फाइव पे, कि इंटरोगेटरीज को फाइल कब करना है, कब प्लेंटिफ डिफेंडेंट को सर्व करेगा इंटरोगेटरीज या कब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को सर्व करता है इंटरोगेटरीज। तो कहता है पांचवा नंबर पॉइंट कि डिफेंडेंट जब अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर देगा या जो भी टाइम पीरियड अलाउड है डिफेंडेंट के पास रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने का, अगर वो लैप्स हो जाएगा उसके बाद ही इंटरोगेटरीज सर्व होता है। ये है पांचवा नंबर पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं छठा नंबर पॉइंट पे। अगर मान लेते हैं पार्टी जो है सूट में वो है कॉरपोरेशन या बॉडी कॉरपोरेट है, तो ऐसे केस में अगर हमको कॉरपोरेशन को या बॉडी कॉरपोरेट को इंटरोगेटरी सर्व करना है तो हम किसको करेंगे, तो हम यहां पे करेंगे उस बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन का जो हेड होगा, जो ऑफिसर होगा उसको सर्व करेंगे। ये होगा छठा नंबर पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर सेवन पे। अगर पार्टी सूट में माइनर है और माइनर को इंटरोगेटरी सर्व किया जाना है तो हम डायरेक्टली माइनर को इंटरोगेटरी सर्व नहीं कर सकते हैं, तो हम करेंगे इंटरोगेटरी माइनर के केस में सर्व उसके गार्जियन एड लिटम को। क्लियर, ये हो गया पॉइंट नंबर सिक्स। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिए पॉइंट नंबर सेवन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर एट पे। इंटरोगेटरी सर्व होगा तो कैसे होगा, तो कहता है जो भी फॉर्म प्रिस्क्राइब है सीपीसी में उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही सर्व होना है इंटरोगेटरीज। अगर फॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है तो उस फॉर्म उस मैनर में होगा सर्व जो तय होगा कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर नाइन, कि अब मान लेते एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को इंटरोगेटरीज दे दिया, अब वो पार्टी जिसको इंटरोगेटरीज सर्व हुआ है उसको आंसर करना है तो वो कितना टाइम पीरियड के भीतर आंसर करेगा, तो कहता है जिस डेट को उसको इंटरोगेटरीज मिला है उस डेट से 10 दिन के भीतर उसको जवाब देना है, और जवाब देगा तो वो कैसे देगा, बाय वे ऑफ एफिडेविट। तो ये हो गया पॉइंट नंबर नाइन। पॉइंट नंबर टेन, कि कब पार्टी जिसको इंटरोगेटरी सर्व हुआ है वह उस इंटरोगेटरीज को सेट असाइड कर सकता है, सेट असाइड का मतलब खारिज कर सकता है। तो कहता है कि जिस डेट को उसको इंटरोगेटरीज मिला है उस डेट से 7 दिन के भीतर उस इंटरोगेटरीज को खारिज करने के लिए अप्लाई कर सकता है पार्टी जिसको इंटरोगेटरीज सर्व हुआ है। तो किस किस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड है कि अगर इंटरोगेटरीज वैक्सियस है, अगर इंटरोगेटरीज फ्रिवोलस है, इसका कोई लेना देना नहीं है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट से, अगर एग्जिबिट हुआ है मालाफाइडली, ठीक है, बिना मतलब एग्जिबिट हो चुका है इंटरोगेटरीज पार्टी के द्वारा, तो ये सब ग्राउंड है जब इंटरोगेटरीज को खारिज किया जा सकता है।
7 दिन के भीतर ये जान लो आप जिस डेट को सर्व हुआ उस डेट से। तो ये कुछ रिलेवेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया इंट्रोगेटिव को लेके, जो आपको मदद करेगा जब हम लोग आगे जाएंगे आगे के एपिसोड में ऑर्डर 11 पे बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर 11 को पढ़ते उसके पहले हमको सेक्शन 30 को समझना बहुत जरूरी था। तो दोस्तों अब आ चुका है टाइम लेक्चर को कंक्लूड करने का। तो हम लोगों ने मूलतः क्या क्या समझा, पहले हम लोगों ने बेसिक को जाना, ये बेसिक 5 पॉइंट डिस्कवरी और स्पेसिफिकली इंटरोगेटरीज को लेके, ये 5 पॉइंट बेसिक। उसके रिलेवेंट पॉइंट पे आए ऑर्डर 11 का, और ये 10 रिलेवेंट पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया जो आपको याद होगा और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और बेनिफिशियल होगा जब आप ऑर्डर 11 में जाओगे, क्योंकि ऑर्डर 11 को पढ़ने से पहले सेक्शन 30 बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही, आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।